नमस्कार, आज हम लोग बनाएंगे हेल्दी कुकीज़, जिसे बनाएंगे रागी के फ्लावर से और साथ में व्हीट फ्लावर का भी प्रयोग करेंगे। रागी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, जिसके चलते भारत में इसे बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, पर यह हाई कंटेंट्स फाइबर होता है और यह वेट लूज करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। साथ ही यदि आपके घर में कोई डायबिटिक है या अनीमिया है या फिर नर्सिंग मर्दद है, उसके लिए भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज इसका यूज़ करके आज हम लोग कुकी बनाएंगे। कुकी बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए उसमें है रागी फ्लावर 1 कप, व्हीट फ्लावर 1/2 कप, कोको पाउडर 1/3 कप, जैगरी या गुड़ 1/2 कप, फिर बेकिंग पाउडर 3/4 टीस्पून और घी लेंगे 1/2 कप। तो सबसे पहले हम रागी फ्लावर को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, इसे हल्का भून लेंगे, पैन लेंगे, इसे गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे रागी को फ्लावर, से हल्का, ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, सिर्फ हल्का देखिए, मैंने रागी फ्लावर भून लिया है। अब इसे एक बाउल में डालेंगे। साथ ही डालेंगे व्हीट फ्लावर। कोको पाउडर। फिर डालेंगे बेकिंग पाउडर। तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट को सबसे पहले हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिल जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गुड़। के बाद डालेंगे घी। हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे डो की तरह सान लेंगे। देखिए, डो बनके तैयार है। ये अपना शेप एकदम होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि डो बिल्कुल तैयार है। यदि आपका डो इस तरह का शेप नहीं होल्ड करता है तो आप इसमें 2 चम्मच पानी या दूध मिला सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। हम पेड़े स्पून की मदद से बनाएंगे, जिससे कुकीज सारे एक साइज के बनेंगे। अब हम इसे इसकी सहायता से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसी तरह से हम और भी पेड़े बनाएंगे।
चाहे तो इसमें और भी दूसरी आकृति भी बना सकते हैं। इस प्रकार से इसी तरह हम सारे पेड़ों बना लेंगे। देखिए मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे बेक करेंगे। कन्वेंशन मोड पे आप इसे पहले 180 डिग्री पे प्री हीट करेंगे, उसके बाद हम इसे बेक करने के लिए 20 मिनट तक 180 डिग्री पे ही रखेंगे। लेकिन हम इसे 15 डिग्री सेल्सियस पे भी एक बार चेक कर सकते हैं। किसी किसी के ओवन की टेम्परेचर अलग अलग होती है इसके चलते। तो चलिए बेक करते हैं।